नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना सिंह माके रसोई से .com में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मुझसे किसी ने कहा था टी इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी। शायद ये सच भी है, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि अपने देश में अमीर हो या गरीब, मजदूर हो, कोई भी हो, अगर किसी के घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम चाय सर्व करना ही पसंद करते हैं। अब हर घर में चाय अलग अलग तरह की सर्व की जाती है, तो आजकल तो लोग जनरली शक्कर और दूध वाली चाय पीना कम पसंद करते हैं, बजाय इसके ग्रीन टी प्रेफर कर रहे हैं। पर अगर हम इस शक्कर वाली दूध वाली चाय में अगर हम कुछ मसाले मिला देते हैं, कुछ हर्ब्स मिला देते हैं, तो ये चाय टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होगी। तो वो लोग जिनके ज़ुबान पर दूध और शक्कर वाली चाय का स्वाद चढ़ चुका है, जो नहीं छोड़ना चाहते, तो वो इसमें ये मसाला ऐड करके उसका हेल्थ बेनिफिट भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये चाय का मसाला आज हम कैसे बनाएंगे। दोस्तों, इसे बनाने के लिए जनरली जो हम चाय बनाने में यूज़ करते हैं वही सामग्री है इलायची। सारी सामग्री मैंने गिन के यूज़ की है, ताकि ये जो भी मसाले हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं तो तीखापन ना आ जाए। अगर अनबैलेंस हो जाएगा तो चाय का स्वाद बिगड़ जाएगा, इसलिए मैंने गिन के यूज़ किया है। ये 50 पीस इलायची है, हरी वाली इलायची। लौंग 40 ली है और काली मिर्च है 15 दाने। एक एक इंच के दो ये दालचीनी के टुकड़े हैं, और ये छोटा सा जायफल है, इसका भी मैंने आधा लिया है, इसमें तोड़ लिया है, इसको हम ले लेंगे। और ये 1/4 कप सौंठ का पाउडर है, ड्राई जिंजर पाउडर। तो हम इसको भून लेते हैं सारे मसालों को पहले। इसे हम भून लेते हैं, सिर्फ 1 मिनट भूनेंगे। भूनने से मसालों की जो स्मेल है, जो सुगंध है, वो इन्हांस हो जाती है। तो हम इसे भून कर पीस लेंगे, सिर्फ 1 मिनट भूनना है। भून कर और प्लेट में ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसे पीस लेंगे। एक मिनट हो गया, हम बंद कर देते हैं गैस। हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। इसमें ये सोल्ट पाउडर भी मिला लेंगे। ये ठंडा हो गया है, हम इसमें मिक्सर के जार में निकाल के इसे पीस लेंगे। इसका एक स्मूथ पाउडर बना लेते हैं। अब इसमें इसे निकाल लेते हैं। वैसे हम इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी चाय बनाना हो तो हम इसमें थोड़ी सी इस मसाले को थोड़ा सा डाल देंगे। फिर देखिए चाय का स्वाद। तो ये हमारा चाय का मसाला तैयार है, अब हम इससे चाय बनाएंगे। दोस्तों, सर्दी जुकाम से अक्सर लोग ठंडियों में परेशान रहते हैं, तो हम इस चाय मसाले का यूज़ करके चाय बनाएंगे। और उसमें थोड़ी सी हम चाय का फ्लेवर बढ़ाने के लिए, सुगंध और स्वाद दोनों बढ़ाने के लिए, साथ ही जो नॉर्मल सर्दी जुकाम कफ कोल्ड नॉर्मली हो जाता है, तो उससे बचाव के लिए हम उसमें तुलसी पत्ते या कुछ ऐड कर सकते हैं, और थोड़ी सी अजवाइन डाल सकते हैं उसमें। तो ये सर्दी जुकाम से तो बचाता ही है, साथ ही अगर आपको हो गई है, गले में खराश हो गई है नॉर्मल अगर है, तो इससे काफ़ी राहत मिलती है गले में खराश वगैरह से। तो चलिए हम इस मसाले का यूज़ करके चाय बनाते हैं। दोस्तों, मैंने ये चाय का पानी चढ़ा दिया है, तो हम इसमें 7-8 तुलसी पत्ती डालेंगे। तुलसी पत्तियाँ सर्दी में बहुत फ़ायदेमंद हैं। अब हम इसमें ये जो चाय का मसाला हमने तैयार किया है वो डाल देंगे। 1/4 टीस्पून 2 कप के लिए हम डाल रहे हैं। ये चाय मसाला पड़ गया। थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन डालेंगे, बहुत थोड़ी सी, बहुत मामूली सी। ये इतनी मैंने अजवाइन ली है। अजवाइन ज़्यादा हो जाएगी तो अजवाइन का टेस्ट कुछ ज़्यादा आएगा, जो अच्छा नहीं लगता। एक बड़ा चम्मच चीनी
आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल लीजिए। थोड़ी सी चाय पत्ती, जब ये 2-3 मिनट खोल जाएगा फिर हम इसमें दूध डालेंगे। ये चाय हमारे खोलते हुए 3 मिनट हो गए हैं, हम इसमें दूध डाल देते हैं। ये चाय हमारी बन चुकी है, हम इसे प्याले में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमारा चाय का मसाला तैयार है। इन सर्दियों में आप भी ये चाय का मसाला ज़रूर बनाइए, चाय के मसाले की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और इसका यूज़ करके चाय बनाइए। और साथ में तुलसी पत्ता और अजवाइन मैंने यूज़ किया था, आप चाहें तो अजवाइन अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको उसकी स्मेल पसंद ना हो, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको ना डालना हो। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।